लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी होम न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी, सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के दिन की बड़ी खबरों पर। कई मुद्दों पर होगी बात, आज पीएम मोदी से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात। कहा भारतीयों के सपनों को पूरा करते रहेंगे, इसरो ने चंद्रयान 2 पर सबका किया धन्यवाद। पंत पर रहेगी सबकी नजरें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 आज। दुकानदार पर लिया करा एक्शन, सेब पर मोम की परत देख नाराज हुए रामविलास पासवान। सुप्रीम कोर्ट में SC ST मामले पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से फंड मिलने पर RTI के दायरे में आएंगे NGO। कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को बड़ा झटका। बाहर किए जाएंगे अवैध नागरिक, सीएम खट्टर का ऐलान, हरियाणा में भी लागू होगा NRC। सीएम खट्टर के पक्ष में हरियाणा में NRC को लेकर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा जूतों से होनी चाहिए पिटाई, मणिशंकर अय्यर पर उद्धव ठाकरे का विवादित बयान। बोली चलान काटा तो दे दूंगी जान, दिल्ली की युवती का इमोशनल ड्रामा। लोगों से मिलने की नहीं मिली इजाजत, कश्मीर दौरे पर गए यशवंत सिन्हा, अब लौटे दिल्ली वापस। जनता से मिल रहा है समर्थन, न्यू व्हीकल एक्ट पर बोले नितिन गडकरी। चार बोगियां हुई बेपटरी, मथुरा से झाटली जा रही थी कोयले से भरी ट्रेन। ट्विटर पर साझा की तस्वीरें, पीएम मोदी ने जन्मदिन के मौके पर पुरानी यादों को किया ताजा। पीएम मोदी का 500 वाला फोटो स्टैंड 1 करोड़ में नीलाम। 9 हेलीकॉप्टर की नेपाल में खराब मौसम के कारण करवाई गई आपात लैंडिंग। ग्राम प्रमुखों को करेंगे संबोधित, 2 अक्टूबर को गुजरात की यात्रा, पीएम मोदी के करने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह बोले सभी को अपने जीवन में रामायण के मूल्यों को करना चाहिए आत्मसात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले 2030 तक $10,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का है लक्ष्य। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात दिन की बड़ी खबरों के साथ, तब तक मुझे यानी शिवांगी को दे इजाजत, धन्यवाद।